संगीन गद्दारी केस का तफसीली फैसला आ गया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को हर इल्जाम पर अलहदा अलहदा सजाए मौत देने का हुक्म। खसूसी अदालत ने तफसीली फैसले में कहा कि परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार और सजाए मौत पर हर सूरत अमल किया जाए। परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी के मुर्तकिब करार। तफसीली फैसले में कहा गया कि मुलजिम मिसाली सजा का मुस्तहिक है। फांसी से पहले परवेज मुशर्रफ का इंतकाल हो जाए तो भी लाश बी चौक लाकर 3 दिन लटकाई जाए। अदालत का परवेज मुशर्रफ को फरार कराने में मदद देने वालों को भी कानून के दायरे में लाने का हुक्म। फैसले के खिलाफ अपील के लिए पहले गिरफ्तारी देना जरूरी करार। अदालत के तफसीली फैसले में कहा गया कि परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी लगाई। सुप्रीम कोर्ट के 15 और हाई कोर्ट के 56 जजेस को बरतरफ किया गया। उस वक्त के चीफ जस्टिस को घर पर नजरबंद किया गया। दो जजों का परवेज मुशर्रफ की सजा के हक में फैसला, एक का इख्तलाफी नोट। जस्टिस वकार अहमद सेठ और जस्टिस शाहिद करीम ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया। जस्टिस नजर अकबर ने 44 सफात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट फैसले में लिखा, इसका खासा इल्जाम साबित करने में नाकाम रहा, परवेज मुशर्रफ को रिहा किया जाए। खसूसी अदालत का फैसला 169 सफात पर मुश्तमिल है। भारत सुन ले शरारत की तो मिलेगा करारा जवाब। पाक फौज का दुश्मन को दो टोक पैगाम। निजी एसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि भारतीय आर्मी चीफ ने इश्तियाल अंगेज बयान दिया। एलओसी पर दरअंदाजी की तैयारियां, भारत में एहतजाज से दुनिया की तवज्जो हटाने की साजिश है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में मौशी टीम का इजलास। अवाम को रिलीफ की फराहमी और पाकिस्तान स्टील्स की बहाली पर गौर।